ओके मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इस टाइम पे, वो सारे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गए हैं। आज के दिन 4 तारीख है, 4 मई, एंड 6 मई को डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी आ रही है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स मुंबई में हैं, वहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सारे लोग आज के दिन मूवी को एंजॉय करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, मेरे को बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स पहले देख रहे हैं इस मूवी को, एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया था वो चीज देखकर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई YouTube वीडियो बना लेता हूँ, साइज से भूल जाऊंगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा डॉक्टर स्ट्रेंज। बढ़िया गाइस, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रचित, एंड आप लोगों का स्वागत है अमेंडा द एडवेंचर मैन। ओके लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। मेरे को पता है रचित भाई इतने सारे हॉरर गेम्स क्यों, बिकॉज रचित भाई को पसंद है। मेरे से क्वेश्चन पूछना बंद करो। हालांकि कोई नहीं पूछ रहा है, मेरा मन था ऐसे थोड़ा लाइक वीडियो का रिटेंशन बढ़ जाएगा। ओके गाइस, वेलकम टू अमेंडा द एडवेंचर। ओके तुम लोगों को दिखने में ये बिल्कुल डोरा द एक्सप्लोरर की याद दिला रहा होगा। सो यस, ये जो है ना डोरा द एक्सप्लोरर, जो एक कार्टून शो आता था जिसमें वो लड़की बोलती थी, हेलो मेरा नाम है डोरा, क्या आपको दिख रहा है कि रचित का चश्मा किधर है? ओ उधर है। नहीं, रचित का चश्मा उधर नहीं है। क्या आपको दोबारा दिख रहा है कि रचित का चश्मा किधर है? रचित के सिर पर ही है। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन उसमें आते थे। भाई मेरे को वो कार्टून हमेशा सही बहुत इरिटेटिंग सा लगा है, और अभी उसके ऊपर एक हॉरर गेम बना है। सी मेरे को नहीं पता है इस हॉरर गेम में क्या होने वाला है, बट मैंने सुना है कि काफी अच्छा हॉरर गेम है ये। तो हमारे पास ना 3 एपिसोड्स हैं यहाँ पर, एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। आई गेस हम लोग एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो एक और चीज, मैं जब अभी बात कर रहा था तुम लोगों से इंस्टाग्राम की, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जो है ना लाइक तुम लोग ये जो मेरी नई जगह देख रहे हो ना, इसकी मैं कुछ फोटोज एंड स्टोरी डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो तुम चाहते हो तो दिस इज माय इंस्टाग्राम, गो फॉलो मी, लेट्स गो। एपिसोड 1, मैंने एपिसोड 1 पे क्लिक कर दिया है। ओके अंदर जा रहा है भाई। ओके स्टार्ट हो गया अमेंडा द एडवेंचर। पम परम, हेलो मैं अमेंडा हूँ। And I love apples. Do you like apples? अमेंडा मेरे से बोल रही है कि उसको एप्पल पसंद है, और क्या मेरे को भी एप्पल पसंद है? एक्चुअली मेरे को एप्पल पसंद नहीं है, अगर लिखना चाहूँ तो इसमें नो का ऑप्शन है ही नहीं। इसमें ना 3 वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर हम लोग नो लिखेंगे। I'm allergic to apples. नो लिख दिया मैंने। That's okay. You should never be afraid to try something new. Okay, but वो शीप जो है ना वो बोल रही है। Okay. Do you know where the store is? Yes, I know store कहाँ पे है। Okay, तो ये जो लड़की है ना, मतलब इधर साइड वाली जो डोरा की कॉपी है, उसका फ्रेंड जो है ना उसको एप्पल नहीं पसंद है, लेकिन डोरा बोल रही है फिर भी तेरे को खाने चाहिए काइंड ऑफ ऐसे करके। एंड फिर डोरा बोल रही है कि यहाँ पर आपको कहीं पे दुकान दिख रही है। डोरा तो इतनी बेवकूफ है, पीछे खुद नहीं देख सकती है क्या? ओके आई थिंक दुकान ये है ना, लाइक ये है एप्पल की दुकान, साइज है एप्पल का, यहाँ पे लोगो भी लगा है। बट क्या हो अगर मैं चूज कर दूं कि भाई ये ना मैं चूज कर दूं ये है एप्पल की दुकान, ये पेड़। ओके पेड़ चूज ही नहीं कर सकता हूँ मैं। ओके इनमें से चीजें चूज कर सकता हूँ मैं, ये झूला कर दे रहा। Do you know where the store is? Yes, वो झूला है ना ये रहा। You know where the store is? ओ भाई मैंने झूले पे क्लिक किया तो भाई सारी चीजें गायब हो गई। ओके इसने दोबारा से मेरे से पूछा था कि कहाँ पे स्टोर है, अभी तो सारे ऑप्शन गायब हो गए, तो अभी यही है, यही स्टोर है। Yeah, that's right. ये मिल गई स्टोर। We're at the store. It sure looks crowded. And look, there are apples. Can you see apples? भाई ये लड़की कितनी पागल है, अब मेरे से बोल रही है ये कि क्या तुम्हें एप्पल दिख रही है? हाँ भाई यस मेरे को एप्पल दिख रही है। इसने एप्पल की स्पेलिंग बोली है ना मेरे से कहने के लिए। ओके ये है एप्पल की स्पेलिंग। Now we can make apple pie. ओके हेलो, ओ एपिसोड बंद खत्म। आई गेस इतना ही था एपिसोड 1। यू नो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब लिटरली 38 या 39 टेम्परेचर था मेरी तरफ, लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अभी। ऑल्सो ना मैंने एक मिथ देखी है जो कि बहुत सारे लोग के मन में होती है, कि तुम लोग को सनस्क्रीन के बारे में पता होगा, तो लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन ना वो हमें समर्स में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और जब हम लोग धूप में जाए ना तभी अपने को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। बट ये एक्चुअली ना थोड़ा सा गलत है। सनस्क्रीन जो होती है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ टैनिंग से ही नहीं, वो हमें
यूवीए एंड यूवीबी रेस से भी बचाता है। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि भाई मैं बहुत बाहर जाता हूँ, मेरे को काम के रिलेटेड ना बाहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए ना मैंने ये वाउ स्किन साइंस एसपीएफ 55 सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू किया अभी। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, ये आप 365 डेज अपने चेहरे, अपने हाथ, अपने नेक पे लगा सकते हो। जो भी एक्सपोजिंग एरियाज है ना, जहाँ से आपके शरीर पे धूप आती है, वहां पे आप इसको लगा सकते हो। ये जो हार्मफुल रेज होती है यूवीए एंड यूवीबी रेज, उससे ये बचाता है। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या, ये लाइक तुम अपने चेहरे पे लगाओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुमने सनस्क्रीन लगाई है या कुछ भी लगाया है। बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत हल्का है ये, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इस सनस्क्रीन के अंदर ना रेस्परी एक्सट्रैक्ट है, जो कि रिच होता है विटामिन सी से, जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करता है। ऊपर से इसके अंदर कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि हमारी जो स्किन होती है ना, उसके एजिंग साइंस को जो है ना रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एवोकाडो ऑयल भी है, जिसके अंदर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो कि ना नेचुरल सनस्क्रीन होता है। ये जो ना हमारे स्किन को सन से टैन होने से बचाता है। इसके अंदर ना कोई से भी हार्स केमिकल जैसे कि सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन नहीं है। आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करके ना वाउ की वेबसाइट से ये सारे के सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, एंड मेरा कोड यूज करने पे तुम लोग को डिस्काउंट भी मिलेगा। सो यस, नाउ एंजॉय द वीडियो। अभी अपने को डालना है एपिसोड 2। बस अपन स्टोर में गए, ठीक है, एंड फिर अभी अपने को एप्पल पाई बनानी है साइज से। We don't have much time. ये बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। Hi everyone. ओ भाई। I'm Amanda. ये कुछ बोल रहा था, वो शिप कुछ बोल रहा था। Today we're going to get meat for grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? ओके, ये हम लोगों से बोल रही है कि मीट इसको ना आज ग्रैंडमा के लिए मीट ले जानी है, एंड इसको हम लोग को बताना है कि मीट की दुकान कहाँ पे है। तो वैसे तो मीट की दुकान ये है, इस वाली दुकान पे आइसक्रीम है, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। बिकॉज तुम्हें याद होगा ना, ये जब शीप आई थी ना, तो ये बोल रही थी वेट हम लोग के पास बहुत कम टाइम है, ऐसे करके ना, तो उसी समय ना कट हो गया एंड अमेंडा आ गई। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब लग रहा है मेरे को। ये जो शीप है ना, इसका चेहरा देखोगे ना, उदास सा चेहरा है। मेरे हिसाब से लाइक ये दुकान है, तो मैं इस दुकान पे क्लिक कर देता हूँ। ये रही मीट की दुकान। यस, देयर इट इज, दिख रही है मेरे को भी। ओ, क्या हुआ? हेलो भाई, क्या हुआ? अटक गई? ओ, ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। इसने कुछ तो बोला, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला अमेंडा ने। ये साइज से पूछ रही है, मीट की स्पेलिंग पूछ रही है क्या? ओके, मैं मीट की स्पेलिंग गलत डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ मीट। ये हम लोग से बोल रही है कि मीट मैन को क्या, हम बता सकते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए है। तो अपने को चाहिए मीट, मीट की सही स्पेलिंग डाल देता हूँ। डाल दी। ओके, अभी मीट मैन मीट निकालेगा। ओके, निकाल दी उसने। भाई कैसा मुंह बना रही है अमेंडा, ऐसे नहीं, ऐसे कैन यू टेल द मीट्स द मीट इज भाई। ओ, कुछ तो हुआ था ब्रो, अभी कुछ तो हुआ था। अभी मेरे को समझा नहीं कि क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ था, तभी बंद होगी भाई। वो ना सीप ऐसे देखा था, ऐसे करके। ओके, हेलो अमेंडा। यस, अंधेरा है। क्या बोला? हेलो अमेंडा, सुन नहीं पाया मैं। क्लिक करना है। अच्छा, अपने को घर के अंदर जाना है। ओके, इस पे क्लिक करता हूँ। ओह, अच्छा, होम पे जाना है। ये बोल रही है कि अंधेरा है, लेट्स गो होम। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ जो शीप थी वो कहाँ गई। इसके साथ हमें जो शीप होती थी वो है ही नहीं इधर। ओ, नॉक करना है डोर पे भाई, तू खुद करना नॉक। ओके, नॉक कर दिया भाई। इसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। हेलो, ओ व्हाट व्हाट, हेलो हेलो व्हाट। What? क्या है ये? अभी उसकी बहुत गलत तरीके से उसने अपने हाथ पैर किए थे। I don't know, हम लोग के सामने साइज से मिकी माउस है, अपने को ना ये लेटर्स फिल करने हैं। मिकी है क्या ये? अपने आप हो रहा, मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं कुछ मेरे हाथ। What? खत्म, खत्म हो गया क्या? ओके, तो इसका हम लोगों ने ना इसकी फर्स्ट एंडिंग खत्म कर दी। तो इसकी ना बहुत सारी एंडिंग्स हैं, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना, उसके हिसाब से एंडिंग्स होती हैं। ओके, लेट्स ट्राई अनदर एंडिंग, दोबारा एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अमेंडा द एडवेंचर। हाय, आई एम अमेंडा। हेलो अमेंडा। आई एम विवियन। हेलो विवियन। आई लव एप्पल्स।
Do you like apples? Yes, I like apple. पहले मैंने no लिखा था, इस बार मैं लिख देता हूँ yes. I'm allergic to apples. इसको एलर्जी है एप्पल से, ये शीप को. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store okay, is. मेरे को पता है स्टोर कहाँ पे है. Do you know where the store is? Yes, Amanda, मेरे को पता है स्टोर कहाँ है, ये रही स्टोर. Yeah, that's right. इस बार ना Let's सीधा go. मैं जल्दी जल्दी करता हूँ. We're at the store. It sure looks crowded. Bye. And look. There are apples. Can you see apples? Okay, ये हम लोग से बोल रही है कि can I say apple? Apple की जगह मैं कुछ और बोल दूँ क्या? मैं चलो तब भी apple लिख देता हूँ. Good job. Now we can make apple pie. Okay, now we can make apple pie. ओह खत्म हो गया एपिसोड 1 ऐसे ही खत्म होगा. ओके लेट्स गो, अभी डालते हैं एपिसोड 2. अगर मैं नो बोलूँ मेरे को एप्पल पसंद नहीं है तब भी भाई वो एप्पल ही लेगी. ओके यू ओके वी डोंट हैव मच टाइम. Hello. Hi everyone. I'm Amanda. I'm Lily. Today we're going to get meat for Grandma. एक चीज तो मैं भूल ही गया, पता क्या, ये अमेंडा ना अपनी दादी के लिए मीट ले जा रही है, लेकिन इसकी दादी तो वेजिटेरियन है, तो फिर ये क्यों ले जा रही है. ओके इस पहले हम लोगों ने मीट की दुकान पे क्लिक किया था, अभी आइसक्रीम पे करते हैं. और ये मेरे से बोल रही है कि कैन यू टेल अस कि मीट की दुकान कहाँ पे है, एंड सी मना कर रहा था. मैं वो मीट की दुकान पे नहीं क्लिक करने वाला. ओके वो बोल रही है भाई ये उसने गायब ही कर दिया, वो दुकान. मैं नहीं बताना चाह रहा भाई किधर है, मैं नहीं बता रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैं नहीं बता रहा भाई किधर है मीट की दुकान, मैं मीट की दुकान पे क्लिक ही नहीं करूंगा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है विदाउट उसके. ओके क्लिक कर देता हूँ भाई. अगर ये जैसा चाहती है ना वैसा नहीं करेंगे ना, तो ये सारे ऑप्शन गायब कर दे रही है. हेलो ओके ये मेरे से बोल रही है कैन यू टेल द मीट मैन हम लोग को क्या चाहिए. मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्टी. ना भाई वो मुसीब मना कर रही है, मैं ना गलत मीट लिखूंगा ही नहीं, मैं मीट लिखूंगा ना तो भाई गुस्सा हो गई वो, क्या गंदा मुंह बनाई. नहीं बन ए मम्मी कसम मैंने मीट नहीं लिखा, मैंने मम्मी कसम मीट नहीं लिखा, वो अपने आप मीट लिख गया उसमें. मैंने मम्मी कसम मीट नहीं लिखा था, अपने आप मीट लिख दिया, जब मैं भाई लिख नहीं रहा हूँ तो अपने आप उसने मीट लिख दिया, मैंने लिखा ही नहीं है मीट भाई, ये अपने आप कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया. ओ ओ ओ, ओ वो शीप की तरफ देख रही है अमेंडा. मार दिया उसने, उसने शीप को मार दिया. ओके ब्रो बहुत अजीब सी स्टोरी है यार इस गेम की, तो इसके ऊपर एक्चुअली में कोई तो एक वीडियो बननी चाहिए कि आखिर चल क्या आ रहा है. ओके इट्स डार्क आउट लेट्स गो होम, ये बोल रही है कि अंधेरा है अभी घर पे चलते हैं. मैं ना अभी घर पे नहीं जाऊंगा, पिछली बार घर पे गया था मैं, इस देर जाता हूँ पार्क में. Home. नहीं मैं पार्क में जाऊंगा, पार्क में चल. पार्क गायब कर दिया भाई, मैं नहीं जा रहा घर में भाई, तू अपनी मर्जी क्यों चला रही है, मेरे को नहीं जाना है घर में. इसने मैंने पार्क पे क्लिक किया, पार्क गायब कर दिया है, इसको चाहिए घर के अंदर जाऊं. ओके नॉक ऑन द डोर, नहीं कर रहा मैं नॉक भाई, कितना डरावना चेहरा है, मैं नहीं कर रहा, मैं ये डोर है, डोर की जगह मैं खिड़की पे कर रहा हूँ. ना 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 मैं खिड़की पे कर रहा हूँ, ये ले ना. ओ इसने खिड़की गायब कर दी भाई, इसने खिड़की गायब कर दी, लुक एट दिस, इसने खिड़की ही गायब कर दी. अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इस डोर पे क्लिक करूं. ओके कर दिया. ओ माय गॉड क्या लिखूं यहां पे लिखने का ऑप्शन है. ओ माय गॉड. ओके आई गेस ये था इसका एंडिंग, हम लोग सीख गए. बहुत अजीब गेम है बट हम लोगों ने आई गेस गेम को कंप्लीट कर दिया. यार बहुत कुछ चल रहा है यार इसमें, वो लड़की जो है ना वो कुछ ज्यादा ही स्कैरी सी थी. अब समझा वो जो मीट थी ना वो जो गोश्त है ना उसके लिए ले जा रही थी, मतलब जो वो क्रिएचर था भूत टाइप का उसके लिए. बट आई गेस या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने ये गेम कंप्लीट कर दिया. बहुत छोटा गेम था लेकिन इट वॉज गुड, इट वॉज एक्चुअली गुड. तो आज के इतना ही, मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, भूल जाते तुम लोग. ऑन अवर वे टू 300K, फिर 500K, फिर 1 मिलियन जल्दी से. बाय बाय.